हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको फाइंड करना है, इनको सॉल्व करना है। हमारे पास है 7% ऑफ ₹6,150। 7% निकालना है हमें, इसका मतलब 7/100 ऑफ 6,150। इसको क्या करेंगे, हमें ये 7% निकालना है, मतलब 7/100 किसका 7% निकालना है, 6,150 का। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसी तरीके से अगर हमें बोले 20%, मतलब 20/100 ऑफ किसका निकालना है 20%, 25.125। तो सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 40% ऑफ 800 किलोग्राम, एंड दिस इज 3/1/3%। इसका मतलब इसको अगर हम इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 3 = 9, प्लस 1 उसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/3% ऑफ 60 किलोमीटर। तो दैट इज 10/3 × 100 ऑफ 60 किलोमीटर। इस तरीके से हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ, तो हमें बताना है कितना परसेंट इसके इक्वल है। ₹24, वॉट परसेंट ऑफ ₹24 इज 10। तो वॉट परसेंट को हम एक्स परसेंट लेट कर लेंगे, मतलब एक्स परसेंट ऑफ ₹24 इज 10। ये हमारे पास है यहाँ पे एक्स परसेंट, मतलब एक्स अपॉन हंड्रेड ऑफ 125 इज ₹50। इस तरीके से हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल, रेट, टाइम सब कुछ गिवन है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 4,50,000। 4,50,000 इंटू रेट इज 12.5% हाफ ईयरली। ये हाफ ईयरली का रेट गिवन है तो इसको पहले हम ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन इंटू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का ये हमें गिवन है और अपॉन 100। इस तरीके से हम ये फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें देखना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और वो कैलकुलेट करना है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, और अगर हमारा सेलिंग प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस से तो मतलब हमें लॉस हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब कितना प्रॉफिट हुआ है कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से तो यहाँ पे लॉस हुआ है, और कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसे इनको निकालेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी क्लोजली एग्जामिन द एरिया वेयर परसेंटेज इज यूज्ड, वी शुड रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ इट्स डेफिनेशन। तो परसेंटेज कहाँ पे यूज करते हैं, उससे पहले हम परसेंटेज की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। परसेंट कहाँ से डिराइव हुआ है, एक लेटिन फ्रेज पर सेंटम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है बाय द हंड्रेड। हेंस परसेंट इज मेरिली अ रेशो। परसेंट क्या एक रेशो है जो हमें नंबर ऑफ पार्ट्स पर हंड्रेड बताते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू फ्रैक्शन, परसेंट को फ्रैक्शन में, रेशो में, डेसिमल में, या इन सबको परसेंट में बदलने से अलग हमें और क्या सीखना है कि इसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, इन सब में कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें सीखना है। तो पहले देखते हैं चेंज ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, एंड परसेंटेज को फ्रैक्शन एंड डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को परसेंटेज में देखेंगे। क्या करेंगे हम, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये फ्रैक्शन हमें गिवन है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, आगे 60%। ऐसे डेसिमल गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बट परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं 100।
55% गिवन है तो डिवाइडेड बाय 100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो, 58% गिवन है डिवाइडेड बाय 100 ये हमारा डेसिमल में आ गया। इन अ फैक्ट्री वुमेन आर 35% ऑफ ऑल वर्कर्स, एक फैक्ट्री में सारे वर्कर्स जितने भी टोटल वर्कर्स हैं उनमें से वुमेन कितनी है, 35% है, बाकी सारे वर्कर्स मैन है। द नंबर ऑफ मैन एक्सीड्स दैट ऑफ वुमेन बाय 252, नंबर ऑफ मैन वुमेन से 252 ज़्यादा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बताने हैं। तो हमें वुमेन की परसेंटेज गिवन है, मैन की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, 100 में से माइनस करके, तो हमने लेट द नंबर ऑफ पर्सन इन फैक्ट्री भी एक्स लेट कर लिया, एक्स इंटू 65/100 ये मैन की परसेंटेज है, माइनस एक्स इंटू 35/100 ये वुमेन की परसेंटेज है, वो किसके इक्वल होगी, 252 के, क्योंकि टोटल मैन कितने हैं, 252। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 840, तब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ गए हमारे पास, 840। नाउ रेशियो क्या होता है, रेशियो एक कंपैरिजन है दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच, जो कैसे मिलता है हमें, एक क्वांटिटी को दूसरी से डिवाइड करके, और इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, और इसको कैसे पढ़ते हैं, इज टू करके हम इसको पढ़ते हैं। तो रेशियो क्या है, एक रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज के बीच में जो सेम काइंड की है, सेम यूनिट है जिनकी, और जिनको कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, एक को दूसरी से डिवाइड करके, सिमिलर टू फ्रैक्शन है ये। रेशियो बिटवीन 20 kg एंड 35 kg कैसे निकालेंगे, 20/35 दैट इज 4/7, या हम बोलेंगे 4:7। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोलन से सेपरेट करते हैं। रेशियो में टू नंबर्स आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अ रेशियो, इन दोनों नंबर्स को क्या बोलते हैं कि ये दोनों टर्म्स है रेशियो की। यह एक फर्स्ट टर्म हमारी एंटीसीडेंट कहलाती है और सेकंड टर्म हमारी कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। एंटीसीडेंट मतलब जो प्रिसीड करे और कॉन्सिक्वेंट मतलब जो उसको फॉलो करे। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रेशियो की, टू क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, दोनों क्वांटिटीज सेम तरह की होनी चाहिए। देयर कैन बी अ रेशियो बिटवीन 50 kg और 120 के बीच में रेशियो हो सकता है, बट 50 kg और रुपीज 120 के बीच में रेशियो नहीं हो सकता, तो सेम काइंड के होने चाहिए। रेशियो इज अ प्योर नंबर एंड हैज नो यूनिट, रेशियो प्योर नंबर होते हैं उसकी कोई यूनिट नहीं होती। 6 लीटर और 30 लीटर के बीच रेशियो निकाल रहे हो तो वो 1:5 आ रहा है। कंपैरेटिव क्वांटिटीज शुड बी इन सेम यूनिट, जिनको कंपेयर कर रहे हैं वो भी सेम यूनिट में होनी चाहिए। 300 ग्राम एंड 5 kg इनको कंपेयर नहीं कर सकते, तो पहले हमने क्या किया, इनको हमने सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, सेम यूनिट में कन्वर्ट किया, दोनों को ग्राम में कन्वर्ट किया, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं 3:50। रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो को हमेशा लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें। 5 मीटर एंड 35 मीटर का रेशियो निकालना है, तो 5/35 करके नहीं छोड़ेंगे इसको, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, दैट इज 1:7। द ऑर्डर ऑफ क्वान्टिटीज ऑफ अ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें क्वान्टिटीज जिस ऑर्डर में गिवन है हम उसी रेशियो में उनका उसी ऑर्डर में हम उनका रेशियो निकालते हैं। सपोज इन बेसन लड्डू द रेशियो ऑफ बेसन शुगर एंड घी, अब अगर हम लड्डू बना रहे हैं बेसन का तो उसमें रेशियो बेसन शुगर और घी का कितना है, 2:3:2। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे 3:2:2 तो टेस्ट कैसा हो जाएगा बेसन लड्डू का, चेंज हो जाएगा और वो सही से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो हमें करेक्ट ऑर्डर में ही इसको लेना होता है। फाइंड द रेशियो, रेशियो लेना है हमें 65/125, दोनों का HCF देखा हमने 5 आ रहा है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 13:25। नेक्स्ट 8 meter to 60 cm, दोनों के यूनिट डिफरेंट है तो हमने क्या किया, इनको पहले यूनिट सेम करी, दोनों को सेंटीमीटर में कर लिया हमने, अब हमने इनका रेशियो निकाल लिया तो आ गया 4:40:3। 60 paisa to rupees 2, अगेन दोनों के डिफरेंट यूनिट है, सेम यूनिट में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया तो आ गया 3:10। 40 minutes to 3 hours, दोनों को हमने क्या किया, मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 40/180 is 2:9। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। हमारे पास है 200 gram to 800 gram, दैट इज 200/800, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/4, दैट इज 1:4। रेशियो निकाला हमने ऐसे 10 kg to 20 kg कैसे निकलेगा, 10/20, तो ये आ गया 1/2, जिसको हम बोलेंगे 1:2। ऐसे इनका रेशियो निकालेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो, तो अब इनको एज रेशियो एक्सप्रेस करना है। 25% का मतलब है 25/100, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो आ गया 1/4, मतलब रेशियो में क्या हो गया, 1:4।
ऐसे इसको एक्सप्रेस करना है. द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स का सम हमें गिवन है 4917, और वो किस रेशियो में है, उनका रेशियो हमें गिवन है. आपको क्या करना है, नंबर्स फाइंड आउट करना. कैसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों नंबर्स को हम क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 10/3x प्लस 20/5x प्लस 49/8x, और इनका सम किसके इक्वल होगा, 4917 के. इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अ फुटबॉल टीम वॉन 15 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. एक फुटबॉल टीम ने जितने भी मैचेस खेले उसमें से 15 मैचेस वो जीती. इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 60, अगर उनके जीतने की परसेंटेज 60 थी, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले वेल, कितने मैचेस उन्होंने अच्छे से खेले हैं. आप क्या करेंगे, आप हमें क्या गिवन है, टोटल मैचेस में से वो कितने मैचेस जीते हैं, 15 मैचेस जीते हैं, जीतने की परसेंटेज क्या थी, 60 थी, तो कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं ये आप कैलकुलेट करेंगे. इफ रेशमा हैड रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, रेशमा के पास जितना भी टोटल मनी था उसमें से उसने 75% स्पेंड किया, तो उसके पास कितना बचा, रुपीज 600 बचा. तो आपको बताना है कि उसके पास बिगनिंग में कितना अमाउंट प्रेजेंट था. आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे उस पर बिगनिंग में कितना अमाउंट प्रेजेंट था, वो आप उसको लेट करके फिर उसको सॉल्व करें. द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन एन अलॉय इज 5:8. एक अलॉय में एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो हमें गिवन है 5:8. अगर टोटल वेट अलॉय का 7.8 किलोग्राम है तो आपको एल्यूमिनियम एंड कॉपर का वेट निकालना है. तो इसको आप कैसे लेट कर लेंगे, 5:8 ही आपको गिवन है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5x एंड 8x, ये आपके पास रेशियो हो जाएगा. और इनका टोटल वेट आपको गिवन है 7.8 किलोग्राम, आपको दोनों का सेपरेट वेट यहाँ पे बताना है. द मंथली सैलरी ऑफ अभी इज रुपीज 72,000. अभी की मंथली सैलरी हमें गिवन है 72,000. कितना सेव करता है एवरी मंथ, रुपीज 20,000. आपको रेशियो निकालना है उसकी इनकम का सेविंग्स के साथ, सेविंग्स का एक्सपेंडिचर के साथ, एंड एक्सपेंडिचर का इनकम के साथ उसका रेशियो निकालना है. करते हैं इसको हम, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है मंथली सैलरी अभी के गिवन है हमारे पास 72,000, और वो कितना सेव करता है, रुपीज 20,000 वो सेव करता है एवरी मंथ. हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इनकम टू सेविंग्स का रेशियो निकालना है. सबसे पहले हमें इनकम पता है, इनकम कितनी है 72,000, और सेविंग कितनी है 20,000. तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, 72,000 अपॉन 20,000. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इनकम टू सेविंग्स का रेशियो आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास जीरो कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास ये क्या आएगा, 72/20. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम हमारे पास क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सबसे पहले हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 times 5 is 20, 4 times 1 is 4, एंड 4 times 8 is 32. हमारे पास रेशियो आ गया 18:5. नेक्स्ट हमें रेशियो निकालना है सेविंग्स का एक्सपेंडिचर के साथ. एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले एक्सपेंडिचर हमें निकालना है इनकम में से. क्या करेंगे हम, सेविंग्स को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा. एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास 52,000. तो हमें सेविंग्स का रेशियो निकालना है, 20,000 का रेशियो निकालेंगे 52,000 के साथ. इसका रेशियो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचा 20/52. अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 into 5, 4 into 3, तो ये हमारे पास आ गया 5:13. नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो इनकम के साथ निकालना है. एक्सपेंडिचर इज 52,000 और इनकम कितनी है 72,000. जीरो कैंसिल हो गई, हमारे पास आया 52/72. फिर से अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 13 और ये हमारे पास हो जाएगा 18. ये रेशियो आ गया हमारे पास 13:18. फर्स्ट इज 18:5, देन 5:18, और फिर 13:8. इस तरीके से रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट इज डिस्काउंट एंड GST. जनरली शॉपकीपर्स एंड कंपनीज अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय देयर प्रोडक्ट्स. क्या करते हैं शॉपकीपर्स और कंपनीज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि उनका प्रोडक्ट वो खरीदे. कैसे, उनको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देके. डिस्काउंट्स देके क्या होता है, उनकी सेल इंक्रीज होती है और उनका ओल्ड स्टॉक भी डिस्पोज हो जाता है.
तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। मार्क्ड प्राइस या एमपी, जो प्रिंटेड प्राइस या टैग्ड प्राइस होता है किसी भी आर्टिकल पे, उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, उसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। डिस्काउंट, जो मार्क्ड प्राइस में डिडक्शन होता है, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी। सेलिंग प्राइस या नेट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस जिस पे आर्टिकल को सेल करते हैं कस्टमर को, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट करने के बाद जिस अमाउंट पे सेल करते हैं, उसको हम सेलिंग प्राइस या नेट प्राइस बोलते हैं। तो कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100, एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस और कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू मार्क्ड प्राइस, और मार्क प्राइस निकाल सकते हैं 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। नाउ जीएसटी क्या होता है? द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है जो सेल, मैन्युफैक्चर एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है नेशनल लेवल पे। द टैक्स विल सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी विल बी लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटर स्टेट सप्लाई जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर लगाती है। गवर्नमेंट ने इनको 5 मेजर स्लैब्स में कैटेगराइज किया है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। मार्क्ड प्राइस एक स्वेटर पे है ₹500, शॉपकीपर ने उस पर ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया है 30% का, आपको सेलिंग प्राइस निकाल। मार्क्ड प्राइस गिवेन है, डिस्काउंट परसेंट गिवेन है, डिस्काउंट कितने का मिला है? 30% ऑफ 500, तो डिस्काउंट निकाला हमने। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारे पास? हो जाएगी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज ₹350। ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान शॉप ने ऑफर किया 10% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स? तो कस्टमर को कितना पे करना होगा अगर उसने एक पेयर ऑफ जीन्स ली है जिसपे मार्क प्राइस क्या है? ₹1450, और 2 शर्ट्स लिए हैं जिनपे मार्क प्राइस है ₹850। तो जीन्स के लिए कितना देना होगा? उस पर 10% डिस्काउंट हमने लगाया ₹145, तो सेल प्राइस क्या हो गई? डिस्काउंट परसेंट माइनस करके उसमें से देखेंगे 1305। 2 शर्ट्स के लिए मार्क प्राइस हो गया 1700, उसमें डिस्काउंट किया तो हमारे पास डिस्काउंट करके सेल प्राइस आ गई उसकी 1530। तो टोटल सेल प्राइस कितनी आ गई? 2835, ये कस्टमर को पे करना होगा। द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन, एक फैन का मार्क प्राइस है ₹1500, उसको सेल किया ₹1000 में, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है फैन पे। मार्क प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट हमने निकाल लिया, डिस्काउंट परसेंट निकाला, डिस्काउंट अपॉन एमपी इनटू 100, 33.33%। वॉशिंग मशीन को सेल किया है 1235 रुपीज़ में, जिसपे 15% का डिस्काउंट लगाया था, तो आपको मार्क प्राइस ढूंढ। सेलिंग प्राइस हमें पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, मार्क प्राइस निकाल लेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, दैट इज ₹14500। शॉपकीपर मार्क्स इज आर्टिकल्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो एक शॉपकीपर ने आर्टिकल को मार्क किया 40% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से, उस पर डिस्काउंट दिया 15% का, तो आपको उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमने लेट कर ली कि सीपी क्या है, एक आर्टिकल के ₹100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 40% ऑफ 100, 140 हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट है 15%, सेलिंग प्राइस निकाला हमने, सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास ₹119। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ₹19। प्रॉफिट परसेंट निकाला तो हमारे पास आ गया 19%। अ डीलर बॉट अ टेबल फॉर ₹12,000, एक डीलर ने टेबल खरीदी है 12,000 की, फिर 10% का डिस्काउंट अलाउ किया है और फिर भी 50% अर्न किया है, मार्क प्राइस बताना है। मार्क प्राइस हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, सेलिंग प्राइस निकाला हमने, सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास ₹18,000। अब 9x अपॉन 10 18,000 के इक्वल है, तो ये हमारे पास एक्स कितना आ गया? 20,000, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? मार्क्ड प्राइस आ गया है टेबल का। इफ अ कंपनी हैज 105 करोड़ टर्नओवर, एक कंपनी का टर्नओवर है 105 करोड़, कितना जीएसटी वो पे करेगी सेल्स पे या एडवांस में? जीएसटी इज पेबल ऑन सेल्स नॉट ऑन एडवांस, तो जीएसटी को सेल्स पे करते हैं, एडवांस में नहीं करते हैं।
जीएसटी ऑफ 5% इज चार्ज फॉर ऑल आइटम सोल्ड एट द शॉप। अब आइटम्स जितने भी सेल हो रहे हैं शॉप में सब पे 5% जीएसटी लगाया है। मयंक ने कॉफी खरीदी है ₹150 की, तो आपको बताने कितना जीएसटी उस पर चार्ज होगा। तो मयंक की कॉफी है ₹150 की, जीएसटी लगाए 5% का, जीएसटी कितना चार्ज हुआ है 150 × 5/100, आगे ₹7.5। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो एक शॉपकीपर ने शॉप का सारा सामान 30% ज्यादा पे मार्क करा है कॉस्ट प्राइस से, और उस पर डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का, तो आपको बताना है कि गेन परसेंट कितना है उसका। करते हैं इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन है, शॉपकीपर ने क्या किया है, सारे गुड्स 30% ज्यादा पे मार्क करें कॉस्ट प्राइस से, और फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो हमें प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस को, हम लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल या वन गुड ₹100। हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट प्राइस पे वो 30% ज्यादा मार्क किया है उसने, कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो ₹100 थी। तो अब हमारे पास मार्क्ड प्राइस कितना होगा, उस पे मार्क प्राइस होगा हमारे पास ₹100 प्लस 30% ऑफ 100। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹100 प्लस 30% ऑफ 100, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा ₹130। ये हमने क्या निकाल लिया, मार्क प्राइस निकाल लिया ₹130। अब क्या करेंगे, हमें पता है डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है, डिस्काउंट परसेंट दिया है शॉपकीपर ने 10% का, तो हमारे पास ये डिस्काउंट परसेंट गिवन है 10% का। अब हम क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 × MP मार्क प्राइस। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास 10 upon 100 × MP मार्क प्राइस है हमारे पास 130। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हमारे पास क्या होगा, इसका हम LCM लेंगे, दिस विल बिकम 10 − 1/10 × 130, तो ये हो जाएगा 9 upon 10 × 130। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9 × 13। ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस आ गया है। इसका सिंबल लगाएंगे आप, ये हो जाएगा ₹170। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया है। हमने पहले मार्क प्राइस निकाला, फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाला है। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गेन परसेंट, कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे कि गेन हो कितना रहा है। गेन कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा ₹117, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 लेट किया था, तो गेन हमारा कितना आ गया ₹70। बट हमें गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन हुआ है हमारे पास ₹17 का, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹100 × 100, तो गेन परसेंट हुआ है हमें 17%। ये हमें कैलकुलेट करना था, तरीके से इसको निकालेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ अ डेजर्ट कूलर इज ₹8,000। अब एक डेजर्ट कूलर पे मार्क प्राइस हमें गिवन है 8,000, अगर उसको डिस्काउंट परसेंट कितना लगाया उस पर 24% का, तो आपको क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इस तरीके से आप ये करेंगे क्वेश्चन। जीएसटी ऑफ 5% इज चार्ज फॉर आइटम सोल्ड एट अ शॉप। एक शॉप पे जो आइटम सेल हो रहे हैं उस पर 5% का जीएसटी लगाया है। रवि ने अगर टी परचेज करी है ₹304 की, तो उस पर कितना जीएसटी चार्ज होगा, ये आपको बताना है। तो शॉप पे जितने भी आइटम सेल हो रहे हैं सब पे क्या लगा है, 5% का जीएसटी चार्ज हो रहा है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि रवि ने कितना जीएसटी पे किया है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ₹304 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितना जीएसटी चार्ज हो रहा है, वो हमारे पास आ जाएगा। कैसे इसको निकालेंगे, 304 × 5 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1520 upon 100, दैट इज
ये जीएसटी रवि ने पे किया है। नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन वी डिपॉजिट आवर मनी इन अ बैंक, पोस्ट ऑफिस और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब हम अपना मनी बैंक, पोस्ट ऑफिस ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करते हैं, तो हमें उस पर एडिशनल मनी मिलता है हमारे बेसिक मनी के साथ। ये जो एडिशनल मनी मिलता है हमें, जो साथ में और अलग से एक्स्ट्रा मनी मिलता है, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। सिमिलरली जब हम बैंक से मनी बोरो करते हैं तो हम एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, एडिशनल मनी पे करते हैं, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए? फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए, दैट इज अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है? जो मनी हमने बोरो किया या लेंड किया। रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100 फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए 100 रुपीज पे जितना इंटरेस्ट लगेगा वो रेट है। टाइम, द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड और लेंड, जितने टाइम पीरियड के लिए मनी को बोरो किया गया है वो टाइम है। इंटरेस्ट क्या है? एडिशनल मनी ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे जितना एडिशनल मनी लगा है, पे किया है या उस पर रिसीव हुआ है। अमाउंट क्या है? सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। फॉर एग्जाम्पल हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल हमें गिवेन है, रेट गिवेन है और टाइम गिवेन है। सिंपल इंटरेस्ट निकाला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल गिवेन है, रेट गिवेन है, टाइम गिवेन है, आपको टोटल अमाउंट टू बी पेड निकालना है। हमने क्या निकाला? पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अमाउंट कैसे निकलेगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज हमारे पास आ गया रुपीज 3069.23। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज द इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है विच इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल पे निकाला जाता है, और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस पीरियड्स। दस देयर इज एन इंक्रीमेंट इन प्रिंसिपल अमाउंट फॉलोइंग एवरी फिक्स टाइम पीरियड। तो इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट हर कुछ फिक्स टाइम पीरियड के बाद इंक्रीज होती है। आपको 10,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 ईयर्स के लिए, और रेट गिवन है 10% पर एनम। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या है? 10,000, रेट था 10% और टाइम था 1 ईयर। हमने इंटरेस्ट निकाला उस पर। अब अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितनी होगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज रुपीज 11,000। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 11,000। अब रेट सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम है, इंटरेस्ट निकाला 11,000, अमाउंट हो गई 11,000 प्लस 1100, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 12,100। अब थर्ड ईयर की प्रिंसिपल हो गई 12,100, रेट सेम, ईयर सेम, इंटरेस्ट निकाला तो आ गया 1210, अमाउंट निकाला 13,310। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,310। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, अब आपको 25,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 ईयर्स के लिए 10% पर एनम, जो कि एनुअली कंपाउंडेड है। फर्स्ट ईयर का हमें प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट निकाला देन अमाउंट निकाली। फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट निकाली। देन थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकाली। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 8,275। What is the difference between compound interest compounded yearly? क्या फ़र्क है कि compound interest को आप yearly calculate कर रहे हो या simple interest को निकाल रहे हो? तो रुपीज कितने के लिए? ये principal given है और rate given है, time period है 1 year। इस question को solve करने के कोई calculation की requirement नहीं है क्योंकि time कितना है? 1 year है। There is no difference between compound interest and simple interest, कोई difference ही नहीं है दोनों में। Compound interest कब use करते हैं हम? जब मनी जो डिपॉजिट हो रहा है वो मोर देन 1 ईयर के लिए डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं। कंप्यूटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय फॉर्मूला, अब फॉर्मूला से देखते हैं कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट हमारे पास होती है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर n। n क्या है? हमारे पास टाइम है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर एन माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, ये हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है पर एनम। व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली, प्रिंसिपल गिवन है, रेट है 10% पर एनम, 5% पर हाफ ईयर, क्योंकि कंपाउंड कैसे निकाला है? सेमी एनुअली,
तो इसलिए हाफ ईयर का हमने रेट निकाल लिया है। टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स, दैट इज 4 हाफ ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब हो गया 4 हाफ ईयर्स। सबसे पहले हमने अमाउंट निकाला, अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर। रोहित बोरोड अ लोन ऑफ रुपीज 2,20,000। रोहित ने लोन लिया इतने का एक फाइनेंस कंपनी से, यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है 3 होल 1/2 ईयर्स के लिए, जिसको एनुअली कंपाउंड किया गया है, ये हमें रेट गिवन है। तो आपको बताना है कि वो कितना अमाउंट रिटर्न करेगा 3 होल 1/2 ईयर्स के बाद। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। हमने क्या किया, रेट को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया 41/4 पर एनम। रेट आर वन विल बी, आर वन कितना होगा, 41/4% पर एनम 3 ईयर्स के लिए, बट फॉर 1/2 ईयर टाइम है हमारे पास 3 होल 1/2 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के लिए तो ये रेट होगा, लेकिन 1/2 ईयर के लिए क्या होगा, ये रेट भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो इसको करेंगे 1/2 × 41/4, दैट इज 41/8% R2 हो जाएगा। अमाउंट निकालते हुए क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1+R1/100 होल टू द पावर 3 इंटू 1+R2/100 होल टू द पावर 1। तो हमने 3 ईयर्स का एक निकाला है और फिर उसके बाद हमने बाकी के बच्चे हाफ ईयर का निकाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है ₹3,09,930। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000, 20,000 क्या है, प्रिंसिपल है, 2 ईयर्स के लिए 20% पर एनम, जब कैसे निकाल रहे हैं, उसको हाफ ईयरली निकाल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 7,068,16, 9,282, 4,812, ये आपको बताना है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, हाफ ईयरली निकालना है तो इसको हाफ कर दिया, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स की जगह 4 हाफ ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला लगा निकाला, उसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आ गया 29,282। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके, दैट इज 9,282 रुपीज। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आया है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹60,000। हम यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है ₹60,000 फॉर 4 ईयर्स, ये हमें टाइम गिवन है 4 ईयर्स। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, अब चारों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 5%, 8%, 10% and 12% पर एनम रिस्पेक्टिव। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, और हमने सारे इंटरेस्ट को R1, R2, R3 and R4 मार्क कर लिया। अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1+R1/100 होल टू द पावर 1, 1+R2/100 होल टू द पावर 1, तरीके से R3 and R4। हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, सॉल्व किया, तो अमाउंट हमारे पास आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया। राम नीड्स ₹1,17,128 आफ्टर 4 ईयर्स। तो राम को इतने अमाउंट की नीड है 4 ईयर्स बाद, तो ये हमारे पास अमाउंट है। हाउ मच मनी शुड ही डिपॉजिट इन द बैंक, तो बैंक में कितना मनी डिपॉजिट करे टू गेट द रिक्वायर्ड सम इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कंपाउंडेड एनुअली 4 ईयर्स के लिए, तो हमें टाइम भी गिवन है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने, तो सॉल्व किया, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, ₹77,155.84। इतना अमाउंट राम को डिपॉजिट करना चाहिए बैंक। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, तो आपको रेट परसेंट बताना है कि किस रेट से विल ₹18,000 बी अमाउंट टू ₹20,418 2 ईयर्स। तो आपको बताना है कि किस रेट पे आर आपको निकालना है, इतना अमाउंट 20,480 के इक्वल हो जाएगा और आपको टाइम गिवन है 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। आपको क्या निकालना है, इसमें आपको रेट कैलकुलेट करना है। यतिन बोरोड ₹1,20,000 फ्रॉम अ बैंक, ये क्या हो गई, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गई जो बोरो करी है यतिन ने। किस रेट से बोरो करी है, 12% पर एनम से। कितने टाइम के लिए, 4 ईयर्स के लिए बोरो करी है एट सिंपल इंटरेस्ट। ही लेंड दिस मनी टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को ये मनी लेंड किया है एट द सेम रेट पे लेंड किया है एट कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको क्या निकालना है, उसका गेन कितना हो रहा है उस ट्रांजेक्शन, ये आपको उसमें निकालना है। कहानी डिपॉजिटेड 45,000, प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 45,000 डिपॉजिट किया है 3 ईयर्स के लिए, और रेट कितना है 9 होल 1/4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स बाद उसको कितना
अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आपको ये सब निकालना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1 लाख फॉर 3 ईयर्स। अब आपको 1 लाख पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स का गिवन है हमें 6 होल 1/2%, 8 होल 1/4% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिव। तो करते हैं हम इसको, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 1 लाख पे 3 ईयर्स के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है, रुपीज 1 लाख। ये हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, रुपीज 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। देन इसके बाद टाइम हमें गिवन है टी, हमें गिवन है 3 ईयर्स। दैट इज ये हमें क्या गिवन है, ये हमें एन गिवन है, एन हमें गिवन है 3 ईयर्स। रेट हमें गिवन है R1 है हमारे पास 6 होल 1/2%, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13/2%। नेक्स्ट हमारे पास R2 है, R2 हमें गिवन है 8 होल 1/4%, ये कितना हो जाएगा हमारा 33/4%। फिर उसके बाद हमें R3 गिवन है 10%, 10% हमारा क्या है R3 है, तब हमारे पर एनम के ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। उसके लिए सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। तो ये हम क्या निकालेंगे, इस तरीके से इनकी अमाउंट निकालेंगे। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 1 लाख, 1 प्लस 13/100, 1 प्लस 33/100, 1 प्लस 10/100। हम इस तरीके से इनकी अमाउंट निकालेंगे। हमें क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा इनको सॉल्व करने के लिए। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 213/200, ये हमारे पास आ जाएगा 433/400, एंड दिस विल बिकम 110/100। हमने इस तरीके से इनका एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सबसे पहले हम जीरोस कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरोस कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ये बच गया 213/2 इंटू 433/4 इंटू 11। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। ये जो भी अमाउंट आपके पास आएगी इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस अमाउंट में से आप 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यशो नीड्स, यशो को इतना अमाउंट की नीड है कार परचेज करने के बाद के लिए 4 ईयर्स बाद। हाउ मच मनी शुड ही डिपॉजिट इन द बैंक। तो वो अभी बैंक में कितना मनी डिपॉजिट करे जिससे कि उसको 12% पर एनम रेट से इतना अमाउंट मिल जाए। देखते हैं इसको, ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं हमें क्या गिवेन है। हमें यहाँ पे हमारे पास अमाउंट हमें गिवेन है रुपीज 236027.90। ये हमें अमाउंट गिवेन है। हमें यहाँ पे टाइम गिवेन है, टाइम कितना है हमारे पास 4 ईयर्स का टाइम पीरियड गिवेन है। और रेट गिवेन है हमें, रेट कितना गिवेन है हमें यहाँ पे 12% पर एनम हमें रेट गिवेन। हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। सबसे पहले हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर एन। अमाउंट हमें गिवेन है यहाँ पे 236027.90 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, 1 प्लस रेट, रेट हमारे पास है 12/100 और टाइम हमें कितना गिवन है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 236027.90 इज इक्वल टू पी। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 112/100^4। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 236027.90 इंटू 100/112^4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे।
ऐसे इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। देर आर सम सिचुएशंस वेयर वी यूज्ड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, कुछ सिचुएशंस ऐसी है जिनमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी और अ स्टेट और अ कंट्री, सिटी स्टेट या कंट्री में पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ अ मशीन और अ व्हीकल, किसी मशीन या व्हीकल की वैल्यू में डेप्रिशिएट होना मतलब डिक्रीज होना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। व्हेन अ थिंग इज इंक्रीजिंग एट अ फिक्स रेट, जब कोई भी चीज़ किसी फिक्स रेट पे इंक्रीज हो रही होती है उसकी वैल्यू सर्टेन पीरियड के बाद कितनी हो जाती है, पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड रेज टू द पावर एन। और जब कोई फिक्स रेट पे डिक्रीज हो रही होती है किसी चीज़ की, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होती है फिक्स रेट पे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है सर्टेन पीरियड के बाद, प्रिंसिपल इंटू वन माइनस आर अपॉन हंड्रेड होल टू द पावर एन। इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आर। तो एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि बैक्टीरिया का काउंट इंक्रीज हो रहा है 2.5% पर आर से। इनिशियली काउंट कितना था, इनिशियली काउंट था 5,12,000। तो आपको बैक्टीरिया बताना है एट द एंड ऑफ 2 आवर्स कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, पी इंटू वन प्लस 25 अपॉन 10 इंटू 100 होल टू द पावर 2। तो सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कितना होगा, 5,37,920। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन टू ईयर्स अगो टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी, 62,500। ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज, सिटीज में माइग्रेशन की वजह से वो डिक्रीज हो गई, एवरी ईयर डिक्रीज हो रही है 4% पर एनम के रेट से। तो आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है, 2 ईयर्स अगो पॉपुलेशन कितनी थी, 62,500, किस रेट से डिक्रीज हुई है 4% पर एनम से। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी, कैसे निकालेंगे हम, 62,500 इंटू 1 माइनस 4/100, इस बार माइनस क्यों किया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है होल टू द पावर 2। सॉल्व किया तो आ गई 57,600। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर वॉज इनिशियली, एक बैक्टीरिया काउंट देखा गया इनिशियली कितना था, इतना इनिशियल काउंट था, अगर वो इंक्रीज हो रहा है 6/1/2% पर आर के रेट से, तो आपको 4 आवर्स बाद कितना बैक्टीरिया काउंट होगा वो निकालना है। तो इनिशियली हमें गिवन है किस रेट से ग्रो हो रहा है, वो हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व करा, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आ गया 4 आवर्स के एंड में कितना होगा, 8,36,525। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ओल्ड कार इज ₹2,50,000। तो एक ओल्ड कार की प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 2,50,000। इट्स वैल्यू वॉज डेप्रिशिएटेड, अब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 20% पर एनम के रेट से फर्स्ट ईयर में, और 15% पर एनम के रेट से नेक्स्ट 2 ईयर्स में डिक्रीज हुई। तो आपको उसकी वैल्यू बतानी है बिफोर 3 ईयर्स। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है, R1, R2 हमें पता है, N1, N2 हमें पता है, तो हमने लेट कर ली कि 3 ईयर्स से पहले उसकी वैल्यू थी ₹N। प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ कार बिफोर 3 ईयर्स इंटू 1 - R1/100 रेज टू द पावर N1 इंटू 1 - R2/100 होल टू द पावर N2। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कि 3 ईयर्स से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 4,32,520। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स, टाइम पीरियड गिवन है 3 ईयर्स, रेट गिवन है 12% पर एनम, और हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है सेम रेट पे सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पहले हमने सम निकाला, कितना आ जाएगा, 100 SI/R T। ये हमारे पास सम आ गया, तो सम मतलब क्या आ गया, हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। नाउ रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, अमाउंट निकालेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, ये अमाउंट आ गया हमारे पास। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। The population of a town increased to 84,000 in 2020 at the rate of 6% per annum. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है एक टाउन की पॉपुलेशन 2020 में इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 84,000 हो गई है। किस रेट से इंक्रीज हुई है, ये हमें रेट गिवन है यहाँ पे 6% पर एनम से। तो आपको क्या निकालना है, आपको उसकी पॉपुलेशन निकालनी है 2018 में, 2018 में पॉपुलेशन निकालनी है, मतलब 2 ईयर्स अगो उसकी क्या पॉपुलेशन थी आपको बतानी है।
यहाँ पे 2024 में पॉपुलेशन निकालनी है, मतलब 4 ईयर्स लेटर क्या पॉपुलेशन होगी वो आपको निकालनी है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। अब आपको अगेन यहाँ पे क्या निकालना है, एक सिटी की पॉपुलेशन निकालनी है कि 2 ईयर्स बाद कितनी उसकी पॉपुलेशन होगी। हमें यहाँ प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवेन है 3,25,868, ग्रोथ रेट हमें गिवेन है 4.5% पर एनम। क्या निकालनी है, पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 2 ईयर्स, तो ऐसे इसको निकालेंगे। द काउंट ऑफ अ बैक्टीरिया इन अ कल्चर वॉज इनिशियली, बैक्टीरिया का काउंट हमें गिवन है 7,50,628। अगर वो 4 होल 1/2% के रेट से इंक्रीज हो रहा है एवरी आवर, तो आपको बैक्टीरिया का काउंट निकालना है एट द एंड ऑफ 4 आवर्स। करते हैं इसको हम, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पे हमें बैक्टीरिया का इनिशियल काउंट गिवन है, तो हम लिख लेते हैं इसको P हमें गिवन है 7,50,628, और हमें क्या गिवन है, हमें रेट गिवन है यहाँ पे R इज इक्वल टू 4 1/2%। इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2% पर आर, पर आर हमें ये रेट गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें बैक्टीरिया का काउंट निकालना है एट द एंड ऑफ 4 आवर्स, मतलब हमें टाइम कितना गिवन है, N हमें गिवन है 4 आवर्स। हमें क्या निकालना है, बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स, 4 आवर्स बाद बैक्टीरिया का काउंट कितना होगा ये हमें बताना है। कैसे निकालेंगे, P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n। यहाँ पे P हमारा कितना है 750628 इंटू 1 + R है हमारा 9/2 × 100 होल टू द पावर 4। क्या करेंगे इसको हम, यहाँ पे इसको LCM लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 209/200 होल टू द पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया काउंट आ जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स। ऐसे इन सारी प्रॉब्लम्स को करेंगे हम। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।